डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.13 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में सदिश ए प्लस बी का मापांक बराबर 60 ये दिया गया है और सदिश ए माइनस बी का मापांक बराबर 40 है और सदिश बी का जो मापांक है वो 46 है। सदिश ए के मापांक का मान ज्ञात कीजिए। सदिश ए के मापांक का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के मापांक का मान दिया हुआ है 60। ए प्लस बी के मापांक का स्क्वायर बराबर लेकर के चलेंगे क्वेश्चन में। देखिए इसको हम लिख सकते हैं सदिश ए प्लस बी डॉट सदिश ए प्लस बी। सदिश ए प्लस बी का मापांक कितना दिया है 60, तो 60 का स्क्वायर बराबर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस सदिश बी डॉट ए प्लस सदिश बी डॉट बी। ठीक है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। ए डॉट ए, इस लाइन को पहले लिखेंगे हम, ए डॉट ए यानी कि ए के मापांक का स्क्वायर प्लस बी डॉट बी, बी के मापांक का स्क्वायर प्लस एक और एक। देखिए ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, एक और एक दो, दो इंटू ए डॉट बी और बराबर 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इस पे वैल्यू रख दीजिए बी का मापांक यहां पे दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर ए के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी बराबर 3600 माइनस बी के मापांक का स्क्वायर, और बी का मापांक दिया गया है 40, तो 40 का स्क्वायर यहां से घटा देंगे। ठीक है, 46 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, हासिल 3, 6 36 36 लिख लो, देखो तरीका, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, यहां 0 लगाओ, सबकी गुणा कर दो, 2 6 12 और 12 6 48 जोड़ दो, छियालीस का स्क्वायर हो गया 2116। ए का मापांक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी बराबर 3600 में से घटा देंगे बेटा 2116। सदिश ए के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी बराबर 3600 में से 2116 घटा देंगे। देखो 2100 घटाएंगे तो बचेंगे 1500 और 1500 में से 16 और घटा देंगे तो बचेंगे भाई 1484। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये तो हम इस पार्ट को लेके चले थे, अभी अब हम इस पार्ट को लेके चलेंगे एज इट इज। ए माइनस बी के मापांक का मान दिया गया है 40। अब ए माइनस बी के मापांक का स्क्वायर बराबर, इसको दो बार लिखेंगे, सदिश ए माइनस बी डॉट सदिश ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, सदिश ए माइनस बी का मान 40, 40 का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का मापांक का मान दिया है 40, यहां स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, गुणा करेंगे ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, यहां से गुणा करेंगे माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। इस लाइन को पहले लिखेंगे, इसको बाद में, देखो इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा ए के मापांक का स्क्वायर एक और एक दो, माइनस के दो ए बी हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस के बी के मापांक का स्क्वायर। इसको आई टी धरी रखेंगे इस साइड में, इन दोनों को, सॉरी सबको एक साइड लाएंगे, ये देखो प्लस के बी के मापांक का स्क्वायर, ना कन्फ्यूज हो गए आप, एक और एक दो माइनस के दो ए बी और बराबर 40 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1600।
अब ए के मापांक का स्क्वायर हमने अभी यहाँ ज्ञात किया था, देखिए यहाँ 2116 आता है बी का मापांक का स्क्वायर। बी का मापांक कितना आता है? बी का मापांक 40 और 40 का स्क्वायर आता है 2116। तो ये 2116 इधर जाकर घटेगा, तो ए के मापांक का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए डॉट बी और बराबर 1600 और माइनस बी के मापांक का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर अभी हमने सोल्व किया था वो आता है 2116। ये घटा देंगे, ए के मापांक का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए डॉट बी और बराबर देखिए 1600 में से 2116 घटाएंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस के 516 बचेगा बेटा, 516। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 हमने बनाई है यहां पर, समीकरण 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके यहां से माइनस के 2ab प्लस के 2ab कट जाएगा और ए करेगी 2, 2 ए के मापांक का स्क्वायर बराबर कुछ समथिंग वैल्यू आएगी और यहां से ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखेंगे समीकरण 1 जमा 2 से, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो देखिए 2ab और माइनस के 2ab कैंसिल हो जाएंगे और ये ए के मापांक का स्क्वायर और ए के मापांक का स्क्वायर दोनों प्लस के है, जुड़ करके हो जाएंगे 2 इंटू ए के मापांक का स्क्वायर बराबर 1484 और माइनस इसमें से माइनस कर देंगे 516। देखो बेटा 500 घटाओगे 1400 में से, सीधा 900 बच गया और 84 में से 16 घटा लीजिए आप तो ये बचेगा 68, ठीक है, यानी कि 68 बचेगा, तो ये बचेगा 968 प्लस का और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 चौक 8 484। ये ए के मापांक के स्क्वायर के बराबर है, इस वर्ग से इसका वर्गमूल करेंगे तो ए का मापांक बराबर हो जाएगा 484 का वर्गमूल, और 484 का वर्गमूल आएगा बेटा कितना आएगा बताओ, 22 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, इसमें क्वेश्चन में दिया है सदिश ए का मापांक बराबर है सदिश बी का मापांक और हमें ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। देखिए ए का मापांक बराबर है बी का मापांक और हमें वैल्यू ज्ञात करनी है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये दिया है, ठीक है। समीकरण एक बना, गुणा करेंगे ए डॉट ए फिर माइनस ए डॉट बी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के बी डॉट ए और माइनस के बी डॉट बी बराबर ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, ये माइनस में है प्लस में कैंसिल आउट रहेंगे। ए के मापांक का स्क्वायर ए डॉट ए यानी कि ए के मापांक का स्क्वायर माइनस बी डॉट बी, बी के मापांक का स्क्वायर इक्वल, ए का मापांक भी बी के मापांक के इक्वल है तो बी का मापांक का स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है माइनस के बी के मापांक का स्क्वायर घट के आएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, याद कीजिए कि किस दशा में ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। इसने कहा है कि किस कंडीशन में ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किस कंडीशन में होगा। देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए ए डॉट बी एक फॉर्मूला है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है सदिश ए डॉट बी यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण, ए डॉट बी अपॉन ए के मापांक का स्क्वायर सॉरी ए का मापांक इंटू बी का मापांक, ये होता है। देखिए जो ए है ये ए का मापांक ही है और बी जो है ये बी का मापांक है, यहां इसको हम लिखेंगे। देखिए ए डॉट बी की वैल्यू अगर हम यहां से सोल्व करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां करनी पड़ेगी कोस थीटा में, तो इसकी वैल्यू होगी ए बी कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आएगा वन, यहां से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा वन और कोस थीटा इक्वल टू भी आएगा वन, और वन वैल्यू जो होती है कोस थीटा में होती है कोस जीरो, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। इसका अर्थ यह हुआ कि जब ये दोनों सदिश समांतर होंगे यानी कि या एक ही दिशा में होंगे तो दो उस कंडीशन में ए डॉट बी के मापा ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए जब दोनों सदिशों के बीच का कोण जीरो अंश होगा, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर जब दोनों सदिश समांतर होंगे, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि सदिश ए व सदिश बी परस्पर समांतर होंगे, ठीक है।